अज़्ज़ा वजल हुज़ूर नबी अकरम जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के मुबारक मामूलात जिनको इस्तलाहे उलूमे सीरत में शमाइलो खसाइल के नाम से याद किया जाता है, उसका मुबारक दर्स माहे रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में जारी व सारी है। गुज़श्ता दिनों में हमने बहुत सारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात का ज़िक्र सुना। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के मुतालिक कुछ अहादीस बयान की जाएंगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का रोज़े रखने के हवाले से क्या मामूल था। रोज़ा अल्लाह ताला की बड़ी अहम इबादत है और इसमें नफ्स कशी है, नफ्स इससे ज़ेर होता है। हर मज़हब के अंदर किसी ना किसी तरह रोज़े का जो है वो उनसर पाया जाता है। इस्लाम के अलावा जो दीगर मज़ाहिब हैं वो भी अपने मानने वालों को इस प्रोसेस से गुजारते हैं। उनके यहाँ जो दर्जे बुलंद होने का ज़रिया है, हमारे यहाँ तो रूहानियत बोलते हैं इसको, वो अपने मज़हब में तफव्वुक हासिल करने के लिए, दर्जे ऊपर चढ़ने के लिए वो भी इस प्रोसेस से गुज़रते हैं। लेकिन इस्लाम का जो निज़ाम है वो सबसे प्यारा है कि जिसमें सहरी भी है इफ्तारी भी है, और दिन भर में अपने नफ्स को भूखा रख के एक मुजाहदा एक रियाजत ये भी करवाई जाती है। हर इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब में और इस्लाम में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका व मौला हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की उम्मत तक रोज़ों का एक तवातुर के साथ मुसलसल सिलसिला रहा है। दीगर उम्मतों में रोज़ा रखने का और उनके यहाँ इसका एक अपना अहकामात का सिलसिला था, लेकिन बहरहाल रोज़े का मामूल रहा है। मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ दिनों में रोज़े रखे, जैसे हज़रत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम जो कि सबसे पहले रसूल बनाकर भेजे गए, उन्होंने 950 साल तबलीग फरमाई। उनका मामूल ये था कि वो पूरा साल ही रोज़ा रखा करते थे, पूरा इफ्तार किए नहीं करते थे, पूरा साल उनका रोज़ा होता था। हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम का मामूल था आप महीने के 3 दिन रोज़ा रखते थे, हर महीने के 3 दिन रोज़ा रखते। इसी तरह दीगर अंबिया का भी मामूल रहा। हमारे आका सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम चूँकि इमामुल अंबिया हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इबादत में हर नबी से बढ़ कर दर्जा रखते, तो रोज़ों का मामूल भी कैसा था उसका कुछ जिक्र हम यहाँ बयान करेंगे। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाही ताला अलैह ने अश्शमाइलुल मुहम्मदिया जिसका के दर्स हम सुन रहे हैं, इसमें बाब बांधा है बाबू मा जाअ फी सौम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का बयान, और इसमें 16 हदीसों को जिक्र किया है। बाज को तकरार के साथ मज़मून वही आता है, सनद तब्दील होती है, सवाल करने का अंदाज तब्दील होता है, मज़मून वही है। तो मैं चंद एक अहादीस ही आप हजरात के गोश गुजार करता हूँ जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रखने का मामूल हमारे इलम में आएगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन शकीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, सअल्तु आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा अन सियाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के मुतालिक पूछा।
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रखने का क्या मामूल था। कालत, तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, काना यसूमु हत्ता नकूला कद सामा व यफ्तिरु हत्ता नकूला कद अफ्तरा। फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम जब रोज़ा रखते तो ये गुमान होता कि अब हुजूर इफ्तार नहीं करेंगे, पूरा महीना फिर मुसलसल रोज़े रखेंगे, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करते यानी रोज़ा ना रखते तो फिर ऐसा लगता कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना या अब कभी नफली रोज़ा नहीं रखेंगे। इससे मालूम ये हो रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा रखते तो फिर मुसलसल रोज़े रखते थे, और जब रोज़ा इफ्तार करते, एक है इफ्तार करना रोज़ा रख कर इफ्तार करना जिसको हमारे उर्फ में कहते हैं जो इफ्तारी के वक्त रोज़ा इफ्तार करना, यहाँ जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ ना इफ्तार करते, तो यानी उस दिन रोज़ा ना रखते, ये उन मानों पर है। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ना बयान कर रही, हुजूर रोज़ा रखते तो फिर रखते ही चले जाते, और हमें गुमान होता कि अब हुजूर शायद रोज़े ही रखेंगे, और जब इफ्तार करते रोज़ा ना रखते तो फिर मुसलसल रोज़े ना रखते थे, फिर हमें यह होता कि अब हुजूर रोज़ा नहीं रखेंगे। कालत, फिर हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, वमा सामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरन कामिलन मुन्ज़ु क़ादिमल मदीना ता इल्ला रमज़ान। फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने के मुकम्मल रोज़े नहीं रखते थे, किसी भी महीने के मुकम्मल रोज़े नहीं रखते थे। हाँ, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा आ गए तो फिर रमज़ान के रोज़े, वो तो वैसे ही फ़र्ज़ होता है, तो फरमाते हैं रमज़ान के अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने के मुसलसल यानी सारे महीने के रोज़े नहीं रखा करते थे। अच्छा, आगे इसी बाब के अंदर हदीसें आ रही हैं, और इसके अलावा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल जो कि दीगर किताबों के अंदर है, और एक बात ये भी है कि ये मामूल चूँकि आम आवाम के भी इल्म में है, लिहाजा मैं उसकी भी वजाहत कर दूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम शाबान के महीने के मुकम्मल रोज़े रखते थे, ये अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब मुद्दा ज़िल्लुल आली ने अपने रिसाले आका का महीना उसमें लिखा है। तो ये चूँकि अवामी रसाइल होते हैं, अवाम तक पहुँचे होते रसाइल, तो ये अवाम के अंदर ये बात मशहूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान के पूरे महीने में रोज़ा रखा करते थे। और यहाँ ये हदीस पाक आ रही कि जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीका कह रही हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी महीने में रमज़ान के अलावा पूरे महीने के रोज़े नहीं रखते थे। तो बज़ाहिर ये तज़ाद नज़र आ रहा है कि ये टकराव है, लेकिन हदीस में टकराव नहीं है। वो हदीसें जिनके अंदर बयान है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के पूरे महीने का रोज़े रखे, वो इसी जो है वो शमाइल मुहम्मदिया के अंदर आगे हदीसें आ रही हैं। इसमें मुताबकत ये है, ये हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बयान कर रही हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मामूल नहीं था कि शाबानुल मुअज़्ज़म में पूरे महीने के रोज़े रखते, और वो जिसमें है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे शाबान के रोज़े रखे वो इत्तेफाकी, वो एक दफ़ा का अमल है जिसको सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हों ने बयान किया, उन्होंने वो देखा उसको बयान कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे शाबान के रोज़े रखे हैं। और हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा बयान कर रही कि मामूल नहीं था, मामूल यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ शाबान में रोज़े रखते लेकिन पूरे महीने के रोज़े ना रख करते थे। इसमें भी उम्मत के लिए आसानी का पहलू नुमाया है
कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम जब रोज़ा रखेंगे तो उम्मत के अंदर ऐसे इत्तबा करने वाले लोग भी होंगे कि जो हुजूर की इत्तबा में रोज़े रखेंगे, फिर क्या होगा, कमज़ोरी आ जाएगी। इसीलिए फुकहा ने यह फरमाया है कि शाबान के सारे महीने के रोज़े ना रखे। क्यों? कि रमज़ान के रोज़े रखने के लिए उसकी जो एनर्जी है, उसकी कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी बढ़ जाएगी, एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, लिहाजा वो सारे रोज़े ना रखे बल्कि किसी किसी वक्त रोज़ा रखे, और ताकि रमज़ान के रोज़े जो कि फ़र्ज़ हैं उनकी अदायगी सही तरीके से कामिल तौर पर हो सके। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोमे विसाल रखा करते थे। सोमे विसाल होता है सहरी और इफ्तारी के बगैर रोज़ा, ना सहरी की ना इफ्तारी की, बस रोज़ा, एक दिन रोज़ा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी रोज़ा। सहाबाए किराम ने अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुजूर ने सोमे विसाल रखना शुरू कर दिया, सहाबा ने भी सोमे विसाल रखना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, सहाबाए किराम कमज़ोर हो गए, निढाल हो गए, कमज़ोरी की वजह से, कामकाज करने से आजिज़ आ गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लस्तु का अहदिन मिनकुम, तुम में से कौन मेरी मिसल है। फरमाया मैं तो अपने रब के हाँ होता हूँ, वो मुझे खिला भी देता है, पिला भी देता है। फरमाया तुम सहरी और इफ्तारी करके रोज़ा रखा करो, सहरी भी किया करो, इफ्तारी भी किया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान कर दिया, लस्तु का अहदिन मिनकुम, तुम में से कोई मेरे मिसल नहीं है। इससे मालूम हुआ, अकीदे की बात भी पता चल गई कि हुजूर की मिसलियत होना ये मुहाल है, कोई हुजूर के मिसल नहीं हो सकता। तो ये इसमें तालीम उम्मत और उम्मत पर शफ़क़त और मेहरबानी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम, क्योंकि हुजूर तो जितना हुजूर को तकर्रुब है अल्लाह का और किसी को भी नहीं है, और इस तकर्रुब में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कोशिश को जारी रखते थे। जैसा कि कल एक हदीस पाक गुजरी कि सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आपको जब आपके रब ने इतना बुलंद मकाम दे दिया, आपको महबूबियत कुबरा पर फाइज फरमा दिया, फिर आप इतनी इबादत क्यों करते हैं कि पांव मुतवर्रम हो जाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया, अफला अकून आब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बन जाऊँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत में बहुत ज़्यादा जो है वो शगफ़ रखते थे और बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम फरमाया करते थे। रोज़े रखने में भी हुजूर का कई तरह से मामूल साबित है, जैसे कई ख़ास दिनों का रोज़ा, जैसे आशूरा का रोज़ा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने मुनव्वर आए तो आपने देखा कि यहूदी आशूरा का रोज़ा रखते हैं। पूछा कि तुम क्यों रोज़ा रखते हो, कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और असहाबे मूसा को दरियाए नील में गर्क होने से बचाया और फिरौन को गर्क कर दिया, हम उसकी याद में रोज़ा रखते हैं। तो हुजूर ने फरमाया, तुमसे ज़्यादा हम इसके हकदार हैं कि हम उनकी याद में रोज़ा रखें। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे और उसके साथ पहले या बाद में एक दिन का रोज़ा भी मिला लिया करते थे ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत ना हो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े के मामूल में यह भी था कि आप अपनी विलादत का दिन रोज़ा रख कर मनाया करते थे। हर पीर शरीफ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे, और कई आशिकान रसूल हैं जो इस सुन्नत को अदा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मामूल को आज भी बिहम्दिल्लाह ताला बहुत सारे आशिकान रसूल हैं जो हर पीर का रोज़ा रखते हैं। जुमेरात को रोज़ा रखना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। आप अलैहिस्सलाम अक्सर औकात जुमेरात को भी रोज़ा रखा करते थे। इसके अलावा नबी का पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज्जम में कसरत के साथ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के अलावा किसी महीने में इतने रोज़े रखते हुए नहीं देखा। तो वो कसरत से रोज़े हैं, अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। फ़र्ज़ रोज़े तो देखिए रमज़ान में रखने ही होते हैं। ऐ काश को मामूल हम ऐसा बनाएँ कि नफली रोज़े रखने का, क्योंकि रोज़े का बड़ा अजर है।
अल्लाह वहदहू ला शरीक को वो इबादत जिसमें जितना इख्फा हो, जो जितनी छुपी हुई इबादत हो, अल्लाह तबारक व तआला को वो उतनी ही पसंद है कि जिसका मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है वो इबादत, क्योंकि उसमें इखलास ज़्यादा होता है। नमाज है, ज़कात है, हज है, ये सारे ज़ाहरी आमाल हैं, लेकिन रोज़ा जब तक किसी को ना बताया जाए पता ही नहीं चलता। इसीलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक, हदीसे कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जजा मैं खुद दूंगा। हालांकि देखिए सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं, हर अमल की जजा अल्लाह ने देनी है, लेकिन रोज़े को ख़ास कर लिया कि ये मेरे लिए है, इसकी जजा मैं खुद दूंगा। और एक रिवायत में इसकी किरात यूं पड़ी गई है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जजा मैं आप हूँ, मैं खुद ही इसकी जजा हूँ। गोया के अब इसका मतलब ये होगा हर अमल करने वाले को अल्लाह तबारक व ताला अजर व सवाब देगा, अल्लाह ताला ने जो नेमतें तैयार कर रखी वो दी जाएंगी, लेकिन फरमाया वाना उज्जा बही, रोज़ादार के लिए मैं खुद हूँ, गोया उसको खालिके कायनात ही मिल जाएगा, अल्लाह ताला का एक खसूसी कुर्ब होगा जो रोज़ादार को मिलेगा। और यही रोज़ा अगर सुन्नत की अदायगी की नीयत से रखे, जैसे हर पीर को रोज़ा रखना सुन्नत है, एक है सिर्फ रोज़ा रखना और एक है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में रोज़ा रखना, अब ये दोहरा सवाब होगा, एक तो रोज़ा रखने का और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में हुजूर की सुन्नत समझ कर रोज़ा रखना, और ये कई हज़ार लाखों करोड़ों रोज़े रखने से एक मरतबा रोज़ा सुन्नत की नीयत से रखना ये अफजल व आला है। अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में, देखिए हमारा ये मिजाज बन चुका है, वो अमल जो आसान आसान होते हैं ना वो कर लिए जाते हैं, और उस पर बंदा बड़े तमतराक से कह रहा होता है ये जी सुन्नत है, और फिर लोगों को बता रहा होता है ये सुन्नत है, ये अमल सुन्नत है, मैंने इसको किया है। भाई ठीक है, आपने किया, अल्लाह कबूल फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है अफजलुल आमाल अहमजुहा, अल्लाह ताला के हाँ अफजल अमल वो है जिसमें मुशक्कत ज्यादा हो, मुशक्कत ज्यादा हो जिसमें। अब रोज़ा इसमें मुशक्कत ज्यादा है, महीने में अगर बंदा जैसे चार मरतबा पीर आती है तो ये हर पीर को रोज़ा रख लिया जाए, या अल्लाह ताला मजीद किसी को तौफीक दे, सलाहियत दे, हर पीर और जुमे रात को रोज़ा रख लिया जाए, अयाम बीस के रोज़े हर महीने की 13वीं 14वीं 15वीं तारीख चांद के हिसाब से, ये सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, महीने की 13वीं 14वीं और 15वीं तारीख का रोज़ा रखना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये भी मामूल रहा है। तो कभी कभी वो सारे मामूलात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाए, ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा या जब जब अल्लाह तौफीक दे तो उनको कर लेना चाहिए, ताकि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तबा करके अल्लाह ताला का ख़ास क़ुर्ब हासिल हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की इत्तबा नसीब फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात, हुजूर की आदात मुबारका को अपनी ज़ात पर नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।